पंजाब टीवी नाल तुसी लगातार जुड़े हुए हो। मैं मनदीप कौर संधू एक बार फिर तो हाजिर हो गई हूं। इस वेले दी वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला दा कतल 29 मई नूं पिंड जवारके दे विच गोलियां मार के कतल किया जाता और इस दौरान जिन्ना शार्प शूटर ने कतल किया है इन्हां कातलां नूं जिहड़े पैसे भी दिते गए सी तां 17 करोड़ रुपए दे विच तय किया गया सी ते हर शूटर नूं जिहड़ा 5-5 लाख रुपया दिता गया सी तां हर शूटर दे कोल इस दौरान 5-5 लाख रुपया दिता गया। ते इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहा कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड जिथे पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है उत्थे नित दिन नवी जानकारी जिहड़ी इस वेले सामने निकल के आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच इन्हां शार्प शूटरां नूं 5-5 लाख रुपया जिहड़ा दिता गया है और कतल वाले दिन इन्हां दे कोल टोटल जिहड़ा किया जा रहा सी कि 10 लाख रुपए भी इन्हां दे कोल सी। 10 लाख रुपए इन्हां दे कोल सी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर दस रहा कि कातलां नूं 1 करोड़ रुपया जो कि गोल्डी बराड़ इस वेले कैनेडा दे विच बैठा होया है उसने कैनेडा दे विच बैठे इन्हां कातलां दे तक पैसे जिहड़े सी मुहैया करवाए सी। सारे पैसे जिहड़े सी इन्हां नूं दित्ते गए सी ते कतल वाले दिन करीब इन्हां शूटरां दे कोल 10 लाख रुपया मौजूद सी और इन्हां दे कोल हथियार भी सी। हालांकि 40 दिन हो चुके ने कतल नूं पर हाले तक भी जिहड़ा हथियार बिना जिहड़े पुलिस दे हत्थ खाली ने ओह हथियार किधर गए ने जिन्हां AK-47 दे नाल गोलियां मारियां गईयां सिद्धू मूसेवाला नूं। बेशक शार्प शूटरां दी हुण तक पहचान हो चुकी है उन्हां दीआं गिरफ्तारियां हो रहियां ने पर इस दौरान इस वेले दी वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है कि जिहड़े शार्प शूटर ने उन्हां नूं कतल करन दे लई पैसे मुहैया करवाए गए सी तां पुलिस पुछगिछ विच मुलजमां ने वड्डा खुलासा कीता है। मूसेवाला दे कतल बदले शूटरां नूं 1 करोड़ रुपया दिता गया सी। कतल बदले हर शूटर नूं करीब 5-5 लाख रुपया दिता गया है और कतल वाले दिन शूटरां दे कोल करीब किया जा रहा है कि 10 लाख रुपया सी और पुलिस ने यह दस्सिया कि पैसे आए कित्थों आ तां कतल करन तों बाद जिहड़े पैसे सी कतल कीता जाए गोल्डी बराड़ ने ही हथियार जिहड़े किया सी कि हथियार भी लैंदे जाण ते रुपया भी जिहड़ा गोल्डी बराड़ दे वल्लों भेजिया गया। हालांकि गोल्डी बराड़ हुणां ने सिद्धू मूसेवाला कतल दी जिहड़ी है जिम्मेवारी भी लई है। हाल तक बहुत सारे जिहड़े दोषी ने ओह पुलिस दे अड़के भी चढ़ चुके ने। कतल दी साजिश रचण वाले 2 मुलजम अंकित ते सचिन चौधरी नूं भी गिरफ्तार किया गया। इन्हां दे कोलों जिहड़े ने स्पैशल सैल ने इन्हां नूं गिरफ्तार किया सी तां सिद्धू मूसेवाला ते गोलियां चलाउण दा जिहड़ा मुख दोषी ओह अंकित भी शामिल सी। तां फिलहाल जिथे पुलिस दिल्ली पुलिस ने वड्डी कार्रवाई की है सचिन नूं गिरफ्तार किया अंकित सिरसा नूं गिरफ्तार किया प्रियव्रत फौजी नूं गिरफ्तार किया गया है तां होर भी कई जिहड़े हुण तक अड़िके चढ़ चुके ने। तां राजस्थान दी चुरू पुलिस दी टीम दे वल्लों पिछले समय तो जिहड़ा शूटर अंकित सी उहदी भाल भी की जा रही सी तां अंकित जिहड़ा लोकां नूं बेहद दर तरीके दे नाल मारदा रिहा तां इह जिहड़ा इल्जाम उत्ते भी वड्डा लगदा आया सी। तां हुण सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर आ रही है कि जिहड़ा पैसा आया कित्थों है। इह सारा पैसा गोल्डी बराड दे वल्लों दित्ता गया है तां हर शूटर नूं 5-5 लाख रुपए कतल करन पिछे दिते गए ने तां टोटल 1 करोड़ रुपया इन्हां शूटरां नूं दिता गया है। तां इस वेले दी वड्डी खबर दस रहे हां कि सिद्धू मूसेवाला दा जो कतल कीता गया पंजाबी सितारा ओह सितारा जिसका नाम इन्ना वड्डा सी लोक देशां विदेशां कि हर सूबे दे विच उस नूं सुणदे सी पंजाब दी धरती तों लैके पाकिस्तान तक जिसके गाने जिहड़े सी सुने जांदे सी। उस नौजवान गभरू दा 29 मई नूं गोलियां मार के बड़ी ही बेरहमी दे नाल कतल किया जाता है। कतल करन तो बाद ये शार्प शूटर जिहड़े वक्रे वक्रे टिकाणियां ते छिप जाते हैं हथियार तक जिहड़े लुको दिते जाते हैं और ठीक उस तो बाद पुलिस लगातार इन्हां अपराधियां दीआं पैड़ा नपदी हुई नजर आई है और पुलिस लगातार इन्हां दे खिलाफ जिहड़ी सी कार्रवाई करती नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस ने पहला जिहड़े सी सब तो पहला दिल्ली पुलिस दे हत्थ वड्डी कामयाबी लगी और उन्होंने 10 शार्प शूटरां दी लिस्ट जिहड़ी सी जारी कर दित्ती सी। और ठीक इस दे नाल ही हुण इस वेले दी वड्डी खबर दस रहे कि जिहड़े शार्प शूटरां नूं पैसे दित्ते गए सी गोल्डी बराड़ दे वल्लों तां ओह जिहड़े सारा पैसा
टोटल 1 करोड़ रुपया सिद्धू मूसेवाला दे कातलां दिता गया। हर शूटर नू कतल करन पिछे 5-5 लाख रुपया दिता गया। तां जिस दिन कतल करना सी इन्हां शार्प शूटरां दे कोल उस दिन 10 लाख रुपया सी। और ठीक इस नाल जिहड़े हथियार सी, हालांकि पुलिस इन्हां हथियारां दी हाले भी भाल करदी नजर आ रही है, पर हाले तक जिहड़े हथियार है उह नहीं मिले पुलिस दे हत्थ, हाले भी हथियारां तों बिना खाली ने। पर जिहड़े मुलजम ने उहनां नू लगातार जिहड़ी है पुलिस दी कड़िक्की दे विच जाल दे विच फसाया जा रहा है। पुलिस लगातार उन्हां अपराधियां दीआं पैड़ां नापदी हुई नजर आ रही है, लगातार जिहड़ा उन्हां नू भालदी पुलिस भाल रही हैगी। हालांकि अंकित सेरसा, सचिन चौधरी, केशव हो गया, प्रियव्रत फौजी हो गया, इन्हां नू जिहड़ा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गोल्डी ब्राड जो कि इस वेले कैनेडा दे विच बैठा है, दूसरे पासे लॉरेंस बिश्नोई दी गल करिए तां लॉरेंस बिश्नोई इस वेले पंजाब पुलिस लगातार उस तों जिहड़ा रिमांड लै रही हैगी है, उस तों वी लगातार पुछ पड़ताल की जा रही है। पर हाल तक लॉरेंस ने गल कही है कि मेरा कोई हाथ नहीं है, पर गोल्डी ब्राड ने जिहड़ी इसकी जिम्मेवारी खुद सोशल अकाउंट्स से ली सी, सोशल मीडिया से जिम्मेवारी ली सी कि असी सिद्धू मूसेवाला का कतल विकीमीडू खेड़ा का बदला लैन के लिए ही किया। तो हुण लगातार जिथे गिरफ्तारियां होंदिया हुई नजर आ रही ने, पुलिस लगातार अपराधियों गिरफ्तार कर रही है, उत्थे लगातार उन्होंने तो यह सवाल पूछा जा रहा है हथियार कितों आए सी, तुसी हथियार कितों लैके आए हो, हथियार गए कितने ने। हालांकि इन्होंने ये गल कही सी कि असी जिहड़े हथियार ने वह नपे हुए ने, तो नपे हुए हथियार कितने ने, जिहड़े हथियार दबे हुए ने मिट्टी दे हेठां दबे ने, तो वह हथियार कितने गए ने। तो फिलहाल इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दस रहा है कि सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच जिन्हां शार्प शूटरां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता है, इस दे नाल ही उन्हां शार्प शूटरां नूं 1 करोड़ रुपया गोल्डी ब्राड दे वल्लों दिता गया सी। तां टोटल जिहड़ा हर बंदे नूं 5-5 लाख रुपया वंडिया गया है, तां 5-5 लाख रुपया दिता गया सी। और लगातार पहला रेकी होंदी, हालांकि सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने भी जिहड़ा वड्डा बयान दिता सी, उन्हां दे फादर साहब ने भी गल कही सी कि मेरे पुत नूं मारन दीआं प्लैनिंग पहलां तों ही सी। उन्होंने कहा सी इलैक्शन दे वेले भी 8 वार उन्हां ते हमला किया गया सी। तां सिद्धू मूसेवाला दा कतल जिहड़ा 29 मई नूं किया जांदा, उदों ठीक उदों जदों इह खबर आउंदी कि उन्हां दी जिहड़ी सिक्योरिटी वापस लै ली गई है, और ठीक उस तों बाद मूसेवाला दा कतल जिहड़ा 29 मई नूं जदों अपनी मासी दे घरे जा रहे सी तां बिना सिक्योरिटी दे जा रहे सी, और मूसेवाला ने कदे सोचिया भी नहीं सी कि आज जिहड़ा दिन उस लई नहीं आउणा हैगा वापस, और उह अपने दोस्तां दे नाल थार गड्डी च जा रहे सी, और पहलां तों जिहड़ी प्लैनिंग कीती हुई सी इन्हां हमलावारां दे वल्लों पूरी जिहड़ी रेखी कर रहे सी केकड़ा नाम दा। तां केकड़ा उन्हां शार्प शूटरां नूं दसदा कि सिद्धू मूसेवाला घरों बाहर निकल चुका है, बिना सिक्योरिटी तो आ रहा है, गड्डी च है, गड्डी चला रहा, अगे अगली सीट पर बैठा हुआ है, तो नाल दोस्त भी ने, तो थार नंबर ए है। तो जिवें ही सिद्धू मूसेवाला घरों बाहर निकलते हैं तो उवें उन्होंने जड़िया ने ताबड़तोड़ गोलियां 147 जड़िया राइफल के नाल मारिया जांदियां ने, और सिद्धू का थाएं ही जिहड़ा कतल है वो कर दिता जाता है। और जिस तों बाद करोड़ां दिल जिहड़े सी रोए सी, क्योंकि सिद्धू नूं चाहुण वाले बहुत सी, पर हर कोई इस वेले इंसाफ की मंग कर रहा है, सिद्धू के माता पिता भी इंसाफ की मंग करते हैं। तो फिलहाल जिवें जिवें सिद्धू के कतल तो बाद पुलिस लगातार अपराधियों को फड़न की कोशिश करती है, तो बहुत सारे इस वेले जिहड़े अपराधी है उन्होंने पैड़ां भी नपियां गई ने। हालांकि जिहड़ा मेन मुख्य साजिशकर्ता गोल्डी ब्राड है वह इस वेले कैनेडा दे विच बैठा हुआ, लॉरेंस बिश्नोई नूं पंजाब लैके आ दिल्ली पुलिस तो। सब तो पहली जिहड़ी वड्डी जिहड़ी है इनफॉर्मेशन है वह दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल नूं जिहड़ी लगती हैगी है, तो उस तों बाद वह दो प्रियव्रत फौजी ते केशव शूटर नूं जिहड़ा गिरफ्तार करदे ने, फिर सचिन नूं, चौधरी नूं, उस तों बाद नाल ही अंकित सिरसा नूं गिरफ्तार किया जांदा। हालांकि क्या जा रहा सी कि सिद्धू दा जदों गोलियां मारियां जांदियां ने उदों ही मौत हो जांदी है, पर मौत हो जाण दे बावजूद भी मरे हुए सिद्धू ते लगातार जिहड़ियां ने ताबड़तोड़ गोलियां मार के जांदे ने। तां फिलहाल इस वेले दी वड्डी खबर जो हुण निकल के सामने आ रही है वह वड्डी खबर यह है कि इस वेले गोल्डी ब्राड ने जिथे इन्हां नाल लगातार गलबात करदा रहिंदा सी फोन ते, उत्थे गोल्डी ब्राड दे वल्लों इन्हां शूटरां नूं जिहड़े पैसे भी दित्ते गए ने। गोल्डी ब्राड ने 1 करोड़ रुपया कहा जा रहा है कि भेजिया सी, और 1 करोड़ रुपया जो भेजा जाता है तो हर शूटर दे लई 5-5 लाख रुपया जिहड़े भेजे जाते हैं, तो कतल वाले दिन इन्हों शूटर के कोलों जिहड़े ने 10 लाख रुपया इन्होंने हाथ में से उस दिन, और गोल्डी ब्राड के कहने इन्होंने पैसे और हथियार भी लिया सी, और इन्होंने फिलहाल जिहड़ा पुलिस लगातार इन्हों लभ रही हैगी है कौन इन्होंने हथियार जिहड़े ने
ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨਿਰਮਲ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੈਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੋ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਆਫਿਸਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਦਾਦੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਬੀਰ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਤਬੀਰ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DLHCNE8716 ਫੋਰਚੂਨਰ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਏ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ